अच्छा, आज का लेक्चर जो है ना कॉन्टिन्यूशन है पिछले लेक्चर का। हमने कुछ वाइटामिन पिछले लेक्चर में पढ़े थे और कुछ वाइटामिन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वाइटामिन ई है। वाइटामिन ई का एक और नेम भी है अल्फा टोकोफेरोल। वाइटामिन ई जो है वो फैट बेस्ड वाइटामिन है, ठीक है। फैट बेस्ड में मैंने आप लोगों को बताया था वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और वाइटामिन के। ये चार वाइटामिन ऐसे हैं जो कि फैट बेस्ड हैं, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर क्या है अल्फा टोकोफेरोल का, ये आपके पास यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अडल्ट डोज क्या है इसकी, 15 mg पर डे है। मतलब अडल्ट में वाइटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट होती है ना पर डे, वो है 15 mg। अपर लेवल फॉर अडल्ट मतलब हाईएस्ट जो लेवल अलाउड है वो है 1000 mg पर डे, ठीक है। जनरली 15 mg पर डे है और हाईएस्ट लेवल जो अपर लेवल है वो है 1000 mg ऑफ वाइटामिन ई पर डे। फूड सोर्सेज से हम कैसे, कौन कौन से फूड से हम वाइटामिन ई हासिल कर सकते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल से हम हासिल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्जरीन, सैलड ड्रेसिंग, शॉर्टनिंग, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से ऑब्टेन कर सकते हैं, वीट एंड होल ग्रेन्स, लिवर से, एग योक से, नट्स, सीड्स, इन सारी चीज़ों से वाइटामिन ई ऑब्टेन होता है। चीफ फंक्शन इन द बॉडी एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर ये एक्ट करता है। अच्छा, वाइटामिन ई का जो मेन फंक्शन है ना वो होता है एंटी ऑक्सीडेंट, और एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर वाइटामिन ई किस तरह से एक्ट करता है उसको, उसकी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर वाइटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर कैसे उन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जब विटामिन ई एक्ट करता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देता है, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितने भी होंगे बॉडी के अंदर उनको रेगुलेट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड विटामिन ए, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं बॉडी में अनसैचुरेटेड, और विटामिन ए को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके जो फंक्शंस हैं वो इसके एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर के वजह से आते हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकेज हो जाएगी और नर्व डैमेज हो सकता है, ठीक है। बॉडी के अंदर अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो नर्व डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम इशू हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकेज हो सकती है। और अगर विटामिन ई बहुत ज़्यादा अमाउंट बॉडी में है टॉक्सिसिटी हो सकती है, और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या हैं कि इट ऑगमेंट्स द इफेक्ट ऑफ एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन। ऑगमेंट्स का मतलब ये होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है, उसके इफेक्ट को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब ऐसी मेडिकेशन, सपोज ऐसा कोई पेशेंट है जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट की कोई डिजीज़ है, तो वो ऐसी मेडिकेशंस लेता है जो कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, ठीक है। एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन है जो कि ब्लड को थिनिंग इफेक्ट देती है, तो इन उन मेडिसिन के साथ विटामिन ई मिल के उस एंटी क्लॉटिंग जो बिहेवियर है ना उस इफेक्ट को इन्हांस कर देता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई का रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट कैसे है, अब आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखना है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो कहीं पे भी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ना उसको डैमेज कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हैं तो हमारे जो कुछ काफ़ी विटामिन्स ऐसी हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, तो जब ये विटामिन्स बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करेंगी तो जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं ना जो कि डैमेज कॉज करते हैं, ये उन रेडिकल्स को ट्रैप कर लेती है, ताकि उन रेडिकल्स की वजह से जो भी बॉडी में नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचा जा सके, ठीक है। इवन ये जो कहा जाता है एजिंग हो रही है, ठीक है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे की वजह से काफ़ी मसले हो जाते हैं, तो विटामिन्स जो है ना वो एजिंग को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। मल्टीविटामिन्स इसलिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्री रेडिकल की बॉडी में फॉर्मेशन कैसे होती है और फ्री रेडिकल कैसे डैमेज प्रोड्यूस करता है। ओकेजनली ऑक्सीजन गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देयर बाय जनरेटिंग अ फ्री रेडिकल। ये आपके पास जो रेड कलर के दो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करते हैं,
वो फ्री रेडिकल ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है बॉडी के अंदर, जो कि आपको मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी, उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर होता है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, फ्री रेडिकल ये जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ना, उस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके ना एक फ्री रेडिकल बना देगा। ये जो वन जहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक फ्री रेडिकल है। क्यों फ्री रेडिकल है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं और ये अपनी रिएक्टिविटी को स्टेबलाइज करने के लिए किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, टू रीगेन इट्स स्टेबिलिटी द फ्री रेडिकल अटैक्स अ नियर बाय मॉलिक्यूल सच एज अ लिपिड और प्रोटीन एंड स्टील एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन के साथ, ये जो फ्री रेडिकल था ना, ये फ्री रेडिकल किसी लिपिड मॉलिक्यूल या किसी प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ताकि वो स्टेबल हो सके। तो इस मॉलिक्यूल से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, जब वो इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो फ्री रेडिकल है ना उसकी स्टेबिलिटी जो है ना रीगेन हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट ये है कि लेफ्ट विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस मॉलिक्यूल बिकेम अ फ्री रेडिकल इटसेल्फ। अच्छा, ऐसा जो भी मॉलिक्यूल होगा ना जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, अनपेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दो पेयर में होगा ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे, तो वो फ्री रेडिकल नहीं होता, रिएक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो जो होता है ना वो अनपेयर्ड होता है। तो जब ये वाला जो यहाँ पे फ्री रेडिकल था, इसने इस वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन जिस मॉलिक्यूल से इसने इलेक्ट्रॉन लिया था ना, अब वो मॉलिक्यूल खुद फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस मॉलिक्यूल बिकेम अ फ्री रेडिकल इटसेल्फ एंड अटैक्स अनदर नियर बाय मॉलिक्यूल। इस तरह वो खुद फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये जहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, और अब ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये फ्री रेडिकल एक और मॉलिक्यूल को जो है ना डिस्टर्ब कर देगा, वहाँ पे डैमेज कॉज करेगा। तो चेन रिएक्शन कॉन्टिन्यूस कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, और इस तरह ये जो डैमेज है ना ये कॉन्टिन्यू चलता जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल किसी और के साथ रिएक्ट करेगा और इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो खुद ये स्टेबल हो जाएगा और इस मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल बना लेगा। जब ये वाला किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो जिसका इलेक्ट्रॉन लेगा वो फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस तरह ये फ्री रेडिकल का जो है ना मैकेनिज्म, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, मतलब फ्री रेडिकल बॉडी में पूरा एक पाथवे चलता चला जाएगा और डैमेज कॉज होता चला जाएगा। अब इस डैमेज को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ विटामिन ई, वो आपने नीचे देखना है। ठीक है, नीचे एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, अब आपने इस चीज को देखना है। एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंशन मतलब प्रोटेक्शन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ विटामिन ई। के फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट सच एज विटामिन ई न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स बाय डोनेटिंग वन ऑफ देयर ओन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, विटामिन ई के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे जो फ्री रेडिकल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन फ्री रेडिकल को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देखें, ये जो ग्रे कलर का मॉलिक्यूल है ना, ये आपके पास फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्टिव विटामिन ई आएगा। ठीक है, ये ई क्या करेगा, इस फ्री रेडिकल को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये जो फ्री रेडिकल था ना, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, द डिस्ट्रक्शन चेन रिएक्शन इज स्टॉप। तो ये जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया था ना, जिसमें डिस्ट्रक्शन होती चली जा रही थी, ये वाला रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। बट वाइटामिन ई इज नो लॉन्गर एक्टिव, लेकिन फिर वाइटामिन ई जो है ना, फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाइटामिन ई है ना, ये इनएक्टिव हो जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल है ना ब्राउन कलर का, ये इसके पास फ्री रेडिकल, अब ये फ्री रेडिकल नहीं रहेगा, क्योंकि इसने जो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, उसको एक और इलेक्ट्रॉन वाइटामिन ई ने दे दिया है, तो ये अब स्टेबलाइज हो जाएगा। लाइक वाइटामिन ई, वाइटामिन सी एक्ट एज एन एंटी ऑक्सीडेंट। इट ऑल्सो रीस्टोर वाइटामिन ई टू इट्स एक्टिव फॉर्म। एन अबंडेंस ऑफ डाइट्री और एंटी ऑक्सीडेंट मिनिमाइज फ्री रेडिकल डैमेज। अच्छा, अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया, वाइटामिन ई के साथ साथ वाइटामिन सी भी एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो
ये जो हमारे पास ई यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में था ना, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था यहाँ पे फ्री रेडिकल को और खुद इनएक्टिव हो गया था, इसी वाइटामिन ई को जो है ना वाइटामिन सी आएगा और इसको एक्टिवेट करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे वाइटामिन सी आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन वाइटामिन ई को देगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन वाइटामिन ई को देगा तो वाइटामिन ई अगेन जो है ना स्टेबलाइज हो जाएगा, और इस तरह वो दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके उनको स्टेबलाइज करता जाएगा। तो जितने ज्यादा बॉडी में वाइटामिन होंगे ना, उतनी ज्यादा मतलब एक जो ऑप्टिमम लेवल होता है ना वाइटामिन का जितना रिक्वायर्ड है, उतना अगर बॉडी में वाइटामिन सी और वाइटामिन ई होंगे तो ये दोनों वाइटामिन क्या करेंगे, इस डैमेज को प्रिवेंट कर सकेंगे। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल की वजह से डैमेज होता चला जा रहा था, इस डैमेज की वजह, इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए वाइटामिन ई और वाइटामिन सी दोनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, उनकी एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी है ना, उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जो है ना रिएक्ट नहीं करेंगे, डैमेज कॉज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाइटामिन है हमारे पास वाइटामिन के, इट इज अगेन अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, फाइलोक्विनोन, मैनाक्विनोन, मैनाडायोन, नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, मेंस के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है 120 माइक्रोग्राम पर डे, मतलब एक दिन के हिसाब से सिर्फ 120 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम बहुत थोड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, बहुत थोड़ी अमाउंट होती है, तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है। और वुमेन के अंदर 90 माइक्रोग्राम पर डे, दैट मीन्स के इन वाइटामिन्स की बॉडी में रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होती है, लेकिन यही थोड़ी क्वांटिटी अगर बॉडी को ना मिल सके तो वाइटामिन की डेफिशिएंसी से डिफरेंट डिजीजेस भी हो सकती हैं। थ्री फंक्शंस इन द बॉडी, सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स एंड बोन प्रोटीन दैट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम। अच्छा, वाइटामिन के का जो बॉडी में मेन फंक्शन होता है ना, वो होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, कहीं पे कोई इंजरी हो गई है, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस जगह पे वाइटामिन के ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के तौर पे एक्ट करता है, और जो क्लॉटिंग पाथवे होता है ना उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। क्लॉटिंग पाथवे में हमारे पास सिर्फ वाइटामिन के नहीं होता, हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में क्लॉटिंग करवाने के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस जगह पे कैसे क्लॉटिंग होती है, ब्लड कैसे क्लॉट करता है, उसका पूरा एक पाथवे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सेवरल प्रीकर्सर्स अर्लियर इन द सीरीज डिपेंड ऑन वाइटामिन के, काफी ज्यादा प्रीकर्सर्स होते हैं, वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि हमारी बॉडी में वाइटामिन के आए और इस पाथवे को एक्टिवेट करवा दे। ठीक है, जब वाइटामिन के आएगा, इन प्रीकर्सर्स को एक्टिवेट करवाएगा, तो क्या होगा, इन प्रीकर्सर से प्रोथ्रोम्बिन बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, वो इनएक्टिव प्रोटीन है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव प्रोटीन एंजाइम में तब कन्वर्ट होगी थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन अ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो है ना रिलीज करवाएंगे, जो कि फॉस्फोलिपिड है, और ये जाके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा और इसकी कन्वर्जन करवा देगा थ्रोम्बिन में। जब थ्रोम्बिन प्रोड्यूस होगा तो थ्रोम्बिन क्या करवाएगा, ये फिब्रिनोजेन अ सॉल्युबल प्रोटीन, इस प्रोटीन को कन्वर्ट करवा देगा फिब्रिन में। ठीक है, जब फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, तो ये फिब्रिन क्या करता है, ये सॉलिड क्लॉट बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लॉटिंग होती है। तो इस क्लॉटिंग पाथवे में अगर हमारे पास वाइटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, वाइटामिन के अवेलेबल नहीं होगा बॉडी में, तो ये पूरा पाथवे ही कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बॉडी के अंदर फिर क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी। मेन जो इसका फंक्शन है ना वाइटामिन के का, वो होता है ब्लड क्लॉटिंग में, सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोटीन बनी है ना, ये किस तरह से बनी है, वाइटामिन के की वजह से, एंड बोन प्रोटीन दैट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, और बोन की प्रोटीन्स में भी इन्वॉल्व होता है, और बोन की प्रोटीन्स जो होती है ना, वो कैल्शियम की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है ब्लड के अंदर। ये मेन केमिकल स्ट्रक्चर है वाइटामिन के वन का, विच इज फाइलोक्विनोन। ठीक है, वाइटामिन के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फाइलो होती है, मैनोक्विनोन होती है, सारी वाइटामिन के की टाइप्स होती हैं। तो इसमें से जो फाइलोक्विनोन है ना, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। सिग्निफिकेंट सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेज से हमें वाइटामिन के ऑब्टेंड होता है, बैक्टीरियल सिंथेसिस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारे जो जीआईटी ट्रैक होता है उसमें बैक्टीरिया सिंथेसिस से वाइटामिन के प्रोड्यूस होता है।
इसके अलावा लिवर में प्रोड्यूस होता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से हम वाइटामिन के ऑब्टेन कर सकते हैं, कैबेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल्क से ऑब्टेन कर सकते हैं। वाइटामिन के की डैमेज डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, कौन सा सिम्टम होगा, हेमरेज होगा। हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ऑफकोर्स जब वाइटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जब वाइटामिन के नहीं होगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी विच इज कॉल्ड एज हेमरेज, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स इन डिजीज प्रिवेंशन, फ्री रेडिकल एंड डिजीज, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट होता है डिजीज की प्रिवेंशन में इन्वॉल्व होता है, फ्री रेडिकल की जो डिजीज होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये उसमें भी उसको कंट्रोल करता है, डिफेंडिंग अगेंस्ट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को डिफेंड करता है जैसे मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था, इसी तरह ये भी उसी तरह फ्री रेडिकल को प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट को, ठीक है। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ऑक्सीजन से हमें फ्री रेडिकल मिल रहा था ना, तो उसी तरह ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड बनती है, सुपर से हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड से हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनता है। पीछे जो था वो हमारे पास ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, हमारे पास ये बन रहा था फ्री रेडिकल। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ्री रेडिकल बनता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये कैसे बनता है अब हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म हाइड्रोजन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोएंजाइम टू ऑक्सीजन इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसके थ्रू हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो ट्रांसफर होते हैं, कोएंजाइम से ट्रांसफर होके ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सुपर ऑक्साइड रेडिकल में, ठीक है। दिस सीक्वेंस इवेंचुअली प्रोड्यूस वाटर बट सम ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड इनएविटेबली क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्री रेडिकल रिमाइंडर द डॉट इन द सिंबल्स रिप्रेजेंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे जो है ना फिगर में आप देखेंगे जहाँ पे भी ये डॉट होगा ना इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब भी कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना तो वो फ्री रेडिकल ही बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डॉट है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पीछे जो हमने डैमेज देखा था वो इस सुपर ऑक्साइड की वजह से देखा था, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ना ओकेजनली ऑक्सीजन गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच जनरेट द फ्री रेडिकल कॉल्ड सुपर ऑक्साइड रेडिकल। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ना ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल बना देती है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विथ एन एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है। सुपर ऑक्साइड रेडिकल कैन गेन अनदर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सुपर ऑक्साइड है ना ये एक और इलेक्ट्रॉन जो है ना गेन करेगी अगेन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही गेन करेगी एंड रिएक्ट विद टू हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगी और दो हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करेगी और तो फिर क्या बना देगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। कैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और दो ऑक्सीजन के, H2 और O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देगी। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल थी वो भी जो है ना स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन भी एक गेन किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया और यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा। टू फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये अगेन इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल बना देगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल बना देगा टू फॉर्म अनदर फ्री रेडिकल कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाएगा और दूसरी तरफ ये बना देगा वाटर, ठीक है। किस तरह वाटर बनाएगा, H2O2 में से अगर हम H2O निकालें पीछे बच जाएगा O, और वो O जब इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा हाइड्रोक्सिल, ठीक है। हाइड्रोक्सिल और वाटर बनेगा, वाटर जो होगा वो तो ऑफकोर्स न्यूट्रल होता है उसने रिएक्ट नहीं करना। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है ना रेडिकल, इसके पास अगेन फ्री रेडिकल है। क्यों फ्री रेडिकल है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी गेन किया, एक जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक हाइड्रोजन एटम गेन किया, हाइड्रोजन आयन। ये दोनों जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनेगा। अब ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ना
ये फ्री रेडिकल है, और अगेन ये वाला जो रेडिकल है ये फिर डैमेज कॉज करेगा, और उसी तरह कॉन्टिन्यूस एक रिएक्शन चलता चला जाएगा, डैमेज कॉज होता चला जाएगा। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन एंड डैमेज। फ्री रेडिकल की वजह से चेन रिएक्शन कैसे होता है और डैमेज कैसे होता है? लिपिड जो है ना वो रिएक्ट करता है इस हाइड्रोक्सल रेडिकल के साथ, जो पीछे मैंने आप लोगों को हाइड्रोक्सल बताया था ना, ये वाला हाइड्रोक्सल जो है ना इस लिपिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है ना वो खुद स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो इस लिपिड से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन था वो पेयर्ड हो जाएगा, और इससे जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो लिपिड खुद रेडिकल बन जाएगा, लिपिड रेडिकल बन जाएगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। इस तरह ये डैमेज कॉज होता चला जाएगा। जिस भी मॉलिक्यूल के साथ, लिपिड के साथ, प्रोटीन के साथ ये रिएक्ट करेंगे फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स उन मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल बना देंगे, अनपेयर्ड बना देंगे, रिएक्टिव बना देंगे और खुद स्टेबलाइज हो जाएंगे। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, वॉन्टिंग टू मैच देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैच करने के लिए, जो ना अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो फर्दर बायोमोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे माई टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिपिड इन अ सेल मेम्ब्रेन विच कॉजेज डैमेज दैट गिव राइज टू डीजनरेटिव डिजीजेज। तो इस तरह जो लिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लिपिड ही बनी हुई होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, तो ये जब उनके साथ रिएक्ट करेगी और उस लिपिड को डैमेज करेगी तो इस तरह तो हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी, उसको डैमेज कॉज होगा, तो इस वजह से क्या होता है बॉडी में डीजेनरेटिव डिजीजेज हो सकती हैं। द लिपिड रेडिकल कैन इन टर्न रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अनदर लिपिड रेडिकल, और ये वाला जो लिपिड रेडिकल था ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर इस तरह एक और लिपिड रेडिकल बन जाएगा विच कैन इन टर्न रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अनदर लिपिड। उसके बाद जो रेडिकल बनेगा वो फिर हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा तो फिर एक और लिपिड बना देगा, प्रोड्यूसिंग इस तरह और रेडिकल बनते चले जाएंगे, देयर बाय इनिशिएटिंग अ चेन रिएक्शन। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास फ्री रेडिकल का एक चेन रिएक्शन कॉन्टिन्यू होता चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, के एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना वो बॉडी में किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। द एंटीऑक्सीडेंट्स इंटरैक्ट विद फ्री रेडिकल्स टू ब्रेक द डिस्ट्रक्टिव चेन रिएक्शन दैट डैमेज टिश्यूज। जो हमारी बॉडी में डैमेज हो रहा है फ्री रेडिकल की वजह से उसको एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट करते हैं। वाइटामिन ई जो है गिव अप वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन टू अ लिपिड रेडिकल, ये अपना एक जो है ना हाइड्रोजन लिपिड रेडिकल को दे देगा। तो जब एक्टिव विटामिन ई अपना रेडिकल जो है ना देगा उसको तो वो खुद इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव विटामिन ई अपना एक हाइड्रोजन इसको लिपिड रेडिकल को देगा तो ये जो लिपिड है ये स्टेबलाइज हो जाएगा और ये जो एक्टिव विटामिन ई था वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। रिजल्ट्स इन द विटामिन ई इज नो लॉन्गर एक्टिव बट इट हैज सक्सेसिवली स्टॉप द रेडिकल फ्रॉम कॉजिंग मोर डैमेज एंड जनरेटिंग मोर रेडिकल्स, ठीक है। खुद तो ये इनएक्टिव हो गया और इसने लिपिड को जो है ना बचा लिया, इनएक्टिव से उसको फ्री रेडिकल से जो है ना स्टेबलाइज कर दिया। तो बेशक वो खुद इनएक्टिवेट हो जाता है लेकिन जब वो लिपिड को स्टेबल करेगा तो जो यहाँ पे चेन रिएक्शन हो रहे थे ना वो सारे स्टॉप हो जाएंगे और डैमेज जो है ना बॉडी में नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हमारे पास इनएक्टिव विटामिन ई था ना जो यहाँ पे इनएक्टिवेट हो गया था क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन दिया था लिपिड को, ये अगेन जो है ना एब्जॉर्ब करता है एस्कॉर्बिक एसिड विद हिज हाइड्रोजन एटम। विटामिन ई कैन बी डीएक्टिवेटेड बाय एक्सेप्टिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फेलो एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा अब क्या होगा कि जो विटामिन सी है ना वो अपना एक हाइड्रोजन एटम इसको दे देगा और ये जो इनएक्टिव विटामिन ई था ना ये एक्टिवेट हो जाएगा विथ हिज हाइड्रोजन एटम। विटामिन सी टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंटेड इन फिगर। अच्छा जो डी डीहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड विदाउट इट्स हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जब विटामिन सी अपना इसको हाइड्रोजन दे देगा तो विटामिन सी जो होगा ना उसके बाद फिर हाइड्रोजन की कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी विटामिन्स में बेशक हमारे पास रेड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, बेशक उसमें से हाइड्रोजन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, वो खुद जो है ना फ्री रेडिकल के तौर पे एक्ट नहीं करते, वो सिर्फ फ्री रेडिकल की वजह से जो डैमेज और चेन रिएक्शन था ना वो उसमें हेल्प करते हैं कि उस चेन रिएक्शन को स्टॉप करते हैं।